9 तारीख है आज और मैं अभी हूँ म्यूनिक पे और मैं अभी जा रहा हूँ ईस्टनटन कैसल, जिसे फेयरी टेल कैसल भी कहा जाता है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा और मैं यहाँ से पहले फुसन जाऊँगा बाई ट्रेन और फुसन से 73 और 78 बस है जो कि 2 यूरो के करीब लेता है, तो मैं वो बस लेके फिर वहाँ से स्टैंडर्ड जाऊँगा और स्टैंडर्ड में मैरीज ब्रिज बोल के एक ब्रिज है जहाँ से ये कैसल को बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना स्टेशन मंचन हब, जिसे म्यूनिक स्टेशन भी कहा जाता है। मेरा स्टेशन सामने ही है, मैं रोड क्रॉस करके स्टेशन के अंदर जाऊँगा और मेरा ट्रेन है 9:52 में, 9:52 में मेरा ट्रेन है और अभी फिलहाल बजा हुआ है 9:25 और मैं टाइम पे ही हूँ। और मैं टिकट जो है वो टिकट मैं स्टेशन से नहीं ख़रीदा, क्योंकि डे अगर स्टेशन से आप ख़रीदते हैं तो उसका रेट ज़्यादा पड़ता है, आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसका रेट कम पड़ता है। और ये जो फुसन ट्रेन है इसका अगर टिकट आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो इस टिकट में, एक टिकट में आपका आना और जाना दोनों का ही इंक्लूड रहते हैं, तो एक टिकट 25 यूरो के करीब पड़ता है, इसे दबाना पड़ता है तब जाके गेट ओपन होता है। मैं ट्रेन पे चढ़ चुका हूँ और ये जो ट्रेन है ये डबल डेकर ट्रेन है। मैं नीचे बैठा हूँ क्योंकि ऊपर में जगह नहीं मिला, पूरा भीड़ से भरा हुआ है और मेरा क्लास जो है सेकंड क्लास है। आपको मैं ट्रेन एक बार दिखा देता हूँ। म्यूनिक से फुसन जाने के लिए दो टाइप के ट्रेन होते हैं। एक होता है छोटा वाला ट्रेन, जिससे अगर आप फुसन जाते हैं तो आपको एक स्टेशन चेंज करके जाना होगा, और दूसरा जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ ये डबल डेकर ट्रेन है और ये फुसन डायरेक्ट जाता है। इस ट्रेन का सीट दो क्लास के होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। मेरा टिकट सेकेंड क्लास का है। इस ट्रेन के टिकट में कोई पर्टिकुलर सीट रिजर्व नहीं होता है और आप कोई भी खाली सीट पर बैठ सकते हैं। आपको ये ट्रेन लगभग हर 2 घंटे में मिल जाएंगे। नो, इट्स नो प्रॉब्लम। एक्चुअली सीट नीचे के डेक पे खाली बहुत है, लेकिन लेफ्ट साइड का सीट अगर आप लेते हैं तो आपको व्यू अच्छा मिलता है, इसलिए लेफ्ट साइड का कोई भी सीट खाली नहीं मिल रहा है एक भी। और मैं बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक लेफ्ट साइड का सीट मिला था, तब जब मैं आपको वीडियो कर रहा था आपका, उस लेडी यहाँ पर बैठ गई थी तो मुझे मजबूरन उसे दूसरी सीट पर भेजना पड़ा, क्योंकि मुझे ये लेफ्ट साइड का सीट चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड से जाने के टाइम में कैसल दिखाई देता है, तो मुझे लेफ्ट साइड का सीट चाहिए था। और जिस डायरेक्शन पे ट्रेन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे मेरा फेस होना चाहिए, तब जबकि मैं कुछ देख सकता हूँ, तो इसलिए मैं लेफ्ट साइड का सीट लिया हूँ। ट्रेन बहुत ही बढ़िया है, हर तरफ बर्फ़ बर्फ है, ग्रीनरी तो आज देखने को नहीं मिलेगा, इतना तो पक्का है, लेकिन देखते हैं कैसा व्यू मिलता है, क्या होता है। फुसन में पहुंच चुका हूं और अभी मैं कैसल की तरफ जाऊंगा। यहां से मुझे बस लेना है, ये दाएं तरफ बस स्टैंड है मेरा। मैं 2 घंटे जर्नी करके जिस ट्रेन से फुसन आया हूं वो रीजनल ट्रेन है। इस ट्रेन को रीजियो डीवी ट्रेन कहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप फ्लिक्स बस से भी यहां आ सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ 20 मिनट का टाइम ज़्यादा लगेगा, बट फेयर काफ़ी सस्ता है, सिर्फ 7.99 यूरो। और अगर आप इस ट्रेन से आते हैं तो आपको रीजनल डे टिकट या फिर बायन टिकट लेना होगा।
ये टिकट स्टेट वाइज होता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ फेयरटेल कैसल जो कि बवरिया स्टेट में है, तो इसलिए मुझे जो टिकट लेना पड़ा उसका नाम है रीजनल डे टिकट फॉर बवरिया। इस टिकट का एडवांटेज ये है कि आप इस बवरिया टिकट से एक दिन में जितने चाहे रीजनल ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। और इस टिकट का सबसे खास बात यह है कि अगर आप अकेले हैं तो आपको सेकेंड क्लास के टिकट के लिए सिर्फ 25 यूरो देना होगा, और अगर आपके साथ दो या तीन या चार आदमी एक साथ ट्रैवल करते हैं तो पहले आदमी के लिए 25 यूरो और बाकी हर पर्सन पे आपको सिर्फ 7 यूरो करके देना होगा, यानी एक पर्सन पे 25 यूरो, दो पर्सन पे आपको 32 यूरो, तीन पर्सन पे आपको 39 यूरो, फोर पर्सन पे 46 यूरो और फिफ्थ पर्सन पे आपको 53 यूरो देना होगा। इस टिकट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने दिया है उसमें क्लिक करके आप डिटेल्स में जान सकते हैं। और क्योंकि फ्लिक्स बस गवर्नमेंट बस नहीं है और मुझे पूरा दिन अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, इसलिए मैंने फ्लिक्स बस के बदले रीजनल डे टिकट लेके ट्रेन से ट्रेवल करना ही ठीक समझा। ये फुसन स्टेशन के अंदर वैरायटी शॉप्स एंड रेस्टो अवेलेबल है। हालांकि यहाँ रेस्टो थोड़ा कॉस्टली लग सकता है, फिर भी एक बार के लिए एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन को कंप्लीट करके वापस आने के बाद ही। इस स्टेशन पे आपको लॉकर की फैसिलिटी भी मिलता है, मतलब अगर आपके पास कोई बैगेज होता है जिसको लेके घूमना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो आप इस लॉकर को रेंट पे ले सकते हैं और अपने बैगेज को यहाँ डंप करके फेयरटेल कैसल को आराम से देख सकते हैं। लॉकर का जो रेंट है वो उसके साइज के हिसाब से होता है, जैसे सबसे छोटा वाला जो लॉकर है वो 3 यूरो का है, मीडियम साइज का लॉकर 5 यूरो का, और सबसे बड़ा साइज का जो लॉकर है वो 7 यूरो का आता है। फुसन स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको सामने ही टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। आप यहां से टैक्सी लेके फेयरटेल कैसल के टिकट काउंटर यानी स्टैंड आउट जा सकते हैं और उसके लिए आपका खर्चा आएगा सिर्फ 11 यूरो और एक टैक्सी में सिर्फ 3 से 4 लोग ही अलाउ है। और स्टेशन से निकलते ही राइट हैंड साइड में आपको टॉयलेट का ऑप्शंस भी मिल जाता है और उसे यूज करने के लिए आपको 0.50 यूरो का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप सिर्फ कॉइन से ही ये पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड पे जो कि स्टेशन से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड में है। मुझे वो 78 नंबर बस लेना है और मेरा पास जो टिकट है देखता हूँ उसी टिकट में ये बस का टिकट इंक्लूड है कि नहीं। फेयरटेल कैसल जाने के लिए मुझे फुसन से पहले जाना होगा स्टैंड आउट और वहाँ जाने के लिए मुझे या तो 73 या फिर 78 नंबर के बस लेना होगा। बस और ट्रेन का टाइमिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन के अराइव होते ही 78 नंबर के दो बस डिपर्चर के लिए रेडी है। मुझे बस टिकट के लिए कोई भी टिकट काउंटर नहीं मिला। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला था उसके हिसाब से मैं जो टिकट लिया था उस टिकट को इस बस में मैं यूज कर सकता हूं। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने बस ड्राइवर से भी पूछ लिया।
स्टेशन के तरफ पहुंच चुका हूं। अभी मैं यहां पे उतर गया हूं। यहां से मेरे पीछे आप कैसल देख सकते हैं। वो रहा कैसल, उस कैसल की तरफ ही मुझे जाना है। यह डबल कोच वाला बस बहुत ही कंफर्टेबल बस है और करीब 10 से 15 मिनट जर्नी करने के बाद मैं पहुंचा स्टैंडर्ड। यहां से सिर्फ 100 मीटर्स के दूरी पे ही टिकट काउंटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर पे लंबा लाइन होता है। आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन इस कैसल के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने का सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा। फ्रेंड्स, मैं टिकट ले चुका हूं और टिकट के साथ मुझे एक मैप भी दिया गया है। ये टिकट का प्राइस मुझे 13 यूरो पड़ा, 13 यूरो, और उसके साथ इंग्लिश गाइड फ्री है। और 2:30 के अंदर मुझे कैसल के सामने पहुंचना है। वहाँ पे गाइड रहेगा जो कि इंग्लिश में ये पूरा का पूरा गाइड करेगा। और मेरा पास सिर्फ आधा घंटा है वहाँ पे पहुंचने का, तो चलिए भागते हैं। ये 30 मिनट का रास्ता है और मेरे पास आधा घंटा थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब, लेकिन रास्ता 30 मिनट का है। मुझे कैसे भी करके 30 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचना है। चलिए भागते हैं। अगर आप सिर्फ फेयरटेल कैसल देखना चाहते हैं तो टिकट सिर्फ 13 यूरो का आता है, और अगर आप कॉम्बिनेशन टिकट लेते हैं जैसे कि फेयरटेल कैसल के साथ होहेन्स्टाउंगू कैसल या फिर म्यूजियम या फिर तीनों का एक कॉम्बी टिकट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और उसके लिए टिकट का जो प्राइस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टिकट काउंटर से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो ऐसा टांगा आपको मिलेगा जो कि आपको उस कैसल की तरफ लेके जाएंगे। ये 6 यूरो पर पर्सन चार्ज करते हैं। टिकट काउंटर से कैसल तक जाने के लिए दो ऑप्शन है, एक आप पैदल जा सकते हैं या फिर इस टांगे के मदद से। फिलहाल मैं टांगे से ही जाने वाला हूँ और इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ क्यू पे। ये दो घोड़े वाला टांगा एक साथ करीब 12 से 16 आदमी को ले जा सकता है और इस टांगे में 6 यूरो लगता है। मैं टांगे से इतना दूर तक पहुंचा, फिर मुझे यहां से पैदल चलना पड़ेगा। कैसल ऊपर ही है, कैसल दिखाई दे रहा है एकदम। ये रहा कैसल, और इतना सा रास्ता मुझे पैदल चलना है। बाएं तरफ खाने पीने का सब कुछ बना हुआ है, होटल रेस्टो सब बना हुआ है। टांगे में 6 यूरो लिया। मैं आया हूँ फरवरी महीने में और इसी टाइम यहाँ काफी स्नोफॉल होता है। मैं यहाँ टांगे से आया हूँ, आप चाहे तो पैदल आ सकते हैं। मैं पहले पैदल आने का कोशिश किया था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था और मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा था, इसलिए मुझे ये टांगा से ही आना पड़ा। और ऊपर से टिकट में जो टाइमिंग मेंशन है, मुझे कैसे भी करके उस टाइमिंग से पहले एंट्रेंस गेट पे पहुँचना था। ये कैसल का पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। ये कैसल को टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया था 1886 में। आमतौर पे किला को बनाया जाता है सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये कैसल को कोई सिक्योरिटी रीजन के लिए नहीं बनाया गया था। इस कैसल के अंदर कैमरा या कोई भी बैगेज अलाउ नहीं है। अगर आपके पास कोई छोटा बैकपैक होता है तो आप उसे अंदर ले जा सकते हैं। कैसल में एंटर करने के लिए आपको आपका टिकट को मशीन पे इस तरीके से स्कैन करवाना है। जो टाइम आपका टिकट पे मेंशन्ड है उसके पहले आपका टिकट इस मशीन पे स्कैन नहीं हो पाएगा। अगर आपको कैसल का ऐसा बेस्ट व्यू चाहिए तो आपको मरियन ब्रुक जाना होगा, जिसे मरीज ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज से कैसल का सबसे बेस्ट व्यू मिलता है। फिलहाल कैसल और ब्रिज को कंप्लीट करने के बाद मैं पैदल नीचे यानी उसी बस स्टॉप पे आ गया हूँ। यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है,
सो मैंने यहाँ का लोकल रेस्टो या बर्गर शॉप से एक बर्गर और कोक खरीद लिया, जिसके लिए मेरा खर्च हुआ 5.50 यूरो। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और बस आने तक आप इस नज़ारे का मजा भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं खड़ा हो गया हूँ इसी बस लाइन पे, क्योंकि इसी बस से मुझे जाना है फुसेन और फिर फुसेन से ट्रेन लेके लौटना है मंचन HBF पे। और इसके लिए मुझे अलग से कोई टिकट नहीं खरीदना है, जो टिकट खरीदा था उसमें ही मैं ये राउंड ट्रिप कर सकता हूँ।